नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश चैप्टर और प्रकाश चैप्टर में एक टॉपिक आया कैलिडोस्कोप, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुरूप दर्शक या फिर बहुमूर्ति दर्शक। ये क्या होती है मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर का उपयोग अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग रोज करते हैं। जब अपने बालों पर कंघी करते हैं तो हम देखते हैं प्लेन मिरर में अपने चेहरे। तो प्लेन मिरर का यह दूसरा उपयोग है जहाँ पे इसका यूज़ होता है कैलिडोस्कोप के रूप में। ये क्या होती है, चलिए आज इसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम लोग समझते हैं। देखिए, हमने तीन प्लेन मिरर लिया मतलब तीन समतल दर्पण लिया, और वो भी कैसा, आयताकार। देखिए, ये पहला समतल दर्पण, ये दूसरा समतल दर्पण, ये तीसरा समतल दर्पण, और तीनों को हमने सटा दिया, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे नीचे से। ये देखिए, इस तरह ये पहला दर्पण, ये दूसरा दर्पण, ठीक है, नीचे, और तीसरा दर्पण उधर साइड से। इसके बाद इसको हमने गोंद से लगभग इसको साट दिया, ठीक है, चिपका दिया। एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये कैलिडोस्कोप का उपयोग कहाँ पे होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है बहुमूर्ति दर्शक या बहुरूप दर्शक, तो इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है खिलौने बनाने के लिए, ठीक है। इससे नए नए रंग बिरंगे पैटर्न्स बनते हैं जो कि हम लोग खिलौनों के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग एक बेलनाकार आकृति लेंगे, ठीक है, बेलनाकार, जिसमें कि ये जो हिस्सा है इस तरह का जो हमने डिज़ाइन बनाया, ये उसमें अंदर घुस जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका आकार थोड़ा छोटा होना चाहिए और जो बेलनाकार आकृति है इसका आकार बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर हम लोग इसको आसानी से डाल देंगे, ठीक है। और ऊपर में होल रहेगा मतलब छिद्र रहेगा इतना बड़ा, और नीचे भी इतना बड़ा, और ये बेलनाकार हो गया, जिस तरह ड्राम होता है उस तरह, ठीक है। इसके बाद ऊपर होल है, नीचे भी होल है। तो ऊपर में क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे, ठीक है, वो कूड होता है ना, वह कूड हम लोग लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन बीच में एक छोटा सा छिद्र रखेंगे जिससे कि हम लोग देखेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ जो दर्पण और इस जगह पे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे शीशा, कांच लगा देंगे, और वो भी कैसा, पारदर्शी कांच लगा देंगे। इस पारदर्शी कांच यहाँ पे फिट कर दिया, और इसके ऊपर में ये समतल दर्पण है, इस यहाँ बीच में हम लोग इस जगह पे रख देंगे टूटी हुई चूड़ियाँ, अलग अलग रंग की टूटी हुई चूड़ियाँ हम लोग रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस छिद्र से, यहाँ से जब देखते हैं तो हमें यह चूड़ियाँ जो है अलग अलग पैटर्न की दिखाई पड़ती हैं, जो जो वो हिलती डुलती हैं, जो जो ये सरकती हैं। तो बच्चों, इस तरह बन जाता है कैलिडोस्कोप, और इसका बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही आकर्षक दिखने लायक होता है जब इसको खिलौनों में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, आज सीखा कि प्लेन मिरर समतल दर्पण का उपयोग सिर्फ चेहरे देखने के लिए नहीं, बल्कि खिलौनों में बहुरूप दर्शक या कैलिडोस्कोप बनाने के लिए भी होता है। तो ठीक है बच्चों, आप अपने घरों में भी इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये हम प्लेन मिरर कहाँ से लाएंगे, तो आपके घरों में टूटे फूटे जो शीशे होते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, जो टूट गया हो, तो उसका भी चौखोट चौखोट हिस्सा आप अलग करके रख सकते हैं, और फिर उसको इस तरह से चिपका करके गोंद से, ठीक है, या फिर इस तरह चिपकाने के बाद आप जो रबर होता है उस रबर से एक यहाँ तीन बार उसको
लगा दें तो ये एक जैसा चिपक जाएगा, सट जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसको एक आप बेलनाकार चीज़ ले लें, कोई हो सकता है वो कूड का हो, ठीक है, कार्डबोर्ड का हो या लकड़ी का हो, जो भी चीज़ हो उसमें आसानी से इसको आप भर दें। ये छोटा होना चाहिए और वो जो बेलनाकार आकृति है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर कार्डबोर्ड लगा दें, बीच में छेद रखें थोड़ा सा, और नीचे शीशा लगा दें गोल जैसा, और इस जगह पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ रख दें। और यहाँ से जब आप अपनी आँख से देखेंगे तो आपको रंग बिरंगी और अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स दिखेंगे जो बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो ये था बच्चों कैलिडोस्कोप समतल दर्पण का उपयोग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रकाश के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।